नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जनता दल यूनाइटेड अब अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत करने में जुट गई है। इसका प्रमाण देता है ये बात कि एक ही दिन दो अलग अलग समय पर पार्टी में दो नेताओं को शामिल किया गया। जी हाँ, सुबह जिस तरीके से एक नेता को शामिल किया गया, ठीक उसी तरह अभी पार्टी ने सोनधारी सिंह को, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनको जदयू की सदस्यता दिलाई है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है और नीतीश कुमार के तारीफों में क्या कुछ कहा है, बिहार सरकार के पुल बांधते हुए, तारीफों के पुल बांधते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। पार्टी के सम्मानित नेत्री, मंत्रिमंडल में हम लोगों के सहयोगी सम्मानित शीला मंडल जी, सम्मानित हम लोगों के नेता, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक आदरणीय संजय गांधी जी, पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता नौजवान साथी अभिषेक झा जी और सम्मानित अभिभावक जो आज इनके मिलन समारोह में आज सब आप लोग उपस्थित हुए हैं, आए हैं उनके सम्मान में इस मिलन समारोह में आदरणीय सोनाधारी यादव जी, पूर्व मंत्री, हम सभी आप सभी साथियों का और माननीय अभिभावक सोनाधारी जी का भी अपने पार्टी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, जो हमारी पार्टी इस प्रदेश में 15 वर्षों से कार्य कर रही है। सोनाधारी जी पहले भी इस पार्टी में थे और आज उनकी घर वापसी हुई है, हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ आए हुए जो हमें जैसी सूचना मिली है, काफी लंबे तादाद में मुखियागण हैं, प्रमुखगण हैं, उन सभी तमाम त्रिदशीय पंचायत व्यवस्था के हमारे जनप्रतिनिधि, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, राजनीति की विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। आप किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उस राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली क्या है, उस राजनीतिक दल का नेता का चरित्र क्या है, वो राजनीतिक दल का नेता इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाना चाहता है। 15 वर्ष देश के पहले की सरकारों को भी आपने देखा है, माननीय नेता ने जब इस प्रदेश की बात और संभाली थी तो यह प्रदेश मात्र 24,000 करोड़ का प्रदेश था और 15 साल के अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश में जात पात के पूरे बंधन को तोड़ करके और इस प्रदेश को 2,18,000 करने का काम किया। नीतीश कुमार है जिसने इस गड्ढे में जो बिहार का विकास बना हुआ था, जो बिहार जिसकी विरासत इतनी मजबूत है, जहां महावीर बुद्ध, जहां पर बुद्ध और महावीर, जहां पर हर तरह के धार्मिक संस्थानों का और धार्मिक गुरुओं का जो प्रदेश रहा है, जहाँ सूफी अपने उच्चतम स्तर पर था, जहां पर विश्वविद्यालय थे, जहां पर अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, वैसे बिहार के हालात क्या थे और इन 15 वर्षों में माननीय नेता ने उसको किस तरह से संवारने का काम किया है। जिन योजनाओं का निर्माण माननीय नेता ने इस प्रदेश में किया, उस योजनाओं को अंगीकार भारत सरकार ने किया और दूसरे राज्यों ने करने का काम किया। जब इस प्रदेश में माननीय नेता ने बागडोर संभाला तो ग्रामीण विकास में जीविका का उन्होंने निर्माण शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनके लाइवलीहुड, हमारी जो गरीब जो महिलाएं हैं क्षेत्र में। तो सुना आपने, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि पहले की जो सरकार थी उसने प्रदेश को गड्ढे में ढकेल दिया था, मगर नीतीश कुमार की सरकार ने उस गड्ढे से ऊपर निकालने का काम किया है। कई तरह की बातें कही अशोक चौधरी ने, देखना है कि राजद का इस पर क्या कुछ बयान आता है। आप हमारे साथ बने रहे, बिहार इन शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।